स्टूडेंट होनहार, उसके इम्तिहान के अय्याम चल रहे हैं, उसके एग्जाम के अय्याम चल रहे होते हैं, तो होनहार तालिबे इल्म क्या गैत करता है, पूरी ताकत जो है इल्म हासिल करने में सर्व करता है, असबाब को दोहराने में, अपने जो भी उसको सिखाया गया पढ़ाया गया उसको याद करने में जरा भी इधर उधर वो जो है मुतवज्जे नहीं होता, दोस्तों को छोड़ देता है, अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक कम कर लेता है, अपने फोन मोबाइल को बंद कर देता है, सारी मेहनत किसमें लगा रहा है, इम्तिहान की तैयारी, इम्तिहान की तैयारी, इम्तिहान की तैयारी, चंद दिनों तक वो इसी तरह से बिजी रहता है, वो सोचता है कि अगर यहां हमने मिस कर दिया ना, यहां अगर हमने जरा भी लापरवाही बरती, हमारा सारा रिजल्ट खराब हो जाएगा, हमारा सारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। वही हाल हमारी दुनिया की जिंदगी का है, आखिरत के मुकाबले ये ऐसी ही जिंदगी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यलबसू इल्ला अशियतन औ सुहाहा, जब लोग कयामत के दिन को देखेंगे तो सोचेंगे दुनिया में एक घंटा या चंद घंटा रह करके आए, सुबह का हिस्सा या शाम का हिस्सा, हम और आप भी यहाँ पे मुसाफिर हैं, आखिरत की तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पे भेजे गए हैं, तो हमें चाहिए जैसे वो तालिब इल्म जो इम्तिहान के चार छह अय्याम होते हैं, चार छह दिन होते हैं, उन दिनों में जरा भी लापरवाही नहीं करता, जरा भी सुस्ती नहीं करता, हमें ये 60-70 साल की जिंदगी को उस तालिब इल्म के 6-7 दिन की तरह समझना चाहिए। 60-70 साल की जो जिंदगी है उस स्टूडेंट के जो 6-7 दिन के अय्याम होते हैं एग्जामिनेशन के, इम्तिहान के, वैसे ही समझना चाहिए, क्योंकि उसको मालूम होता है अरे 7 दिन के बाद कामयाब हो जाएंगे तो रिजल्ट मिलेगा, इनाम से नवाजा जाएगा, हमारे नाम का चर्चा होगा। ऐसे ही हमको चाहिए कि 60-70 साल की जिंदगी को 6-7 दिन की तरह गुजारें, कोई गफलत ना करें, सुस्ती ना करें आखिरत की तैयारी में, और सोचें ये 60-70 साल की जिंदगी 6-7 दिनों की तय गुजर जाएगी, जैसे ही गुजरेगी जन्नत की रहमत के फरिश्ते आएंगे मौत के वक्त और जन्नत की बशारत सुनाएंगे, जन्नत में हमारे लिए जन्नत की कब्र में हमारे कब्रों में जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाएगा, जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी और कयामत के दिन हमारे एजाज के लिए ऐलान किया जाएगा, अब हमारे एजाज के लिए हमारे नामे आमाल को हमारे दाएं हाथ में दिया जाएगा, दाएं हाथ में दिया जाएगा तो हम कामयाब हो जाएंगे। देखिए कितनी मुख्तसर सी जिंदगी है, हमको आपको किसी को मालूम नहीं है कि मौत कब आएगी, किस वक्त आएगी। आप किसी से पूछो मौलाना साहब आप जो बता रहे हैं ये तरीका आखिरत की तैयारी का कि आप नमाज पढ़ो रोजा रखो ये करो वो करो, ठीक है मौलाना साहब बात समझ में आती है, लेकिन अभी क्या, अभी तो जिंदगी बाकी है, अभी तो जिंदगी बाकी है, जवानी है, अभी तैयारी कर लेंगे। उससे पूछो कब तैयारी करेगा, कितने दिन पहले तैयारी करेगा, एक हफ्ता पहले तैयारी करेगा, 10 दिन पहले तैयारी करेगा, 4 दिन पहले तैयारी करेगा, जवाब नहीं दे सकता है। क्यों? क्यों उसकी उसकी मौत की तारीख मालूम नहीं है। जब मौत की तारीख मालूम नहीं है तो हर दिन को आखिरी दिन समझो, हर रात को आखिरी रात समझो। अब्दुल्लाह इब्न रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा करते थे, इज़ा असबहता फला तंतज़िर, इज़ा असबहता फला तंतज़िर अल-मसाअ व इज़ा अमसैता फला तंतज़िर अस-सबाह, जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार न किया करो और जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार न किया करो। इसी तरह से एहतिसाब नफ्स से मुतालिक चंद बातें आपके सामने पेश करूं। एहतिसाब नफ्स का माना होता है नफ्स का जायजा लेना, और हमारे नफ्स की 3 किस्में हैं। नफ्स की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवाना, नफ्स मुतमईना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्न नफ्स लअम्मारा बिसु, हमारा नफ्स अम्मारा जो है ये बुराइयों की तरफ ले जाता है, नाफरमानियों की तरफ ले जाता है। जितना इंसान गुनाह करता है उतना ज्यादा उसका नफ्स शरीर होता चला जाता है। नफ्स लवामा ऐसा नफ्स है जो गुनाह के बाद हमको बेदार कर देता है, पशिमान करता है, अरे हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमसे गुनाह हो गया, जैसे सहाबे किराम रोते थे, छोटी छोटी गलतियों पे रोते थे। और नफ्स मुतमईना ऐसा नफ्स है कि उसमें बंदे मोमिन को नेकियों की तौफीक होती है, नेकी का काम करेगा दिल खुश हो जाएगा, अल्लाह से और तौफीक मांगेगा। नफ्स ये हमारा जो नफ्स मुतमईना जो तीसरी किस्म है ये सबसे आला किस्म है, और इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स के लिए दुआ मांगा करते थे, اللهم اعط نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها। नफ्स की पाकीज़गी के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे। तो ये टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए मैं अपनी बात को दो अल्फाज में चंद जुमलों में खत्म करने की कोशिश करता हूँ। वो ये कि ये हमारा जो नफ्स है ना, एहतिसाब नफ्स के लिए सबसे अहम काम जो दुनिया में हमें करना चाहिए वो क्या है, हमें निगाहों की हिफाजत करना चाहिए। मैं अपने मौजू को समेटता हूँ चंद जुमलों के अंदर, निगाहों की हिफाजत सबको अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कुल लिल मोमिनीना यगुज्जू मिन अबसारिहिम वयहफ़ज़ू फुरूजहुम,
मोमिन मर्दों से तो अपनी निगाहों को पस्त रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, चाहे ईमान के बारे में तकरीर हो, चाहे तकवा के बारे में तकरीर हो, चाहे नमाज के बारे में तकरीर हो, सारी तकरीरों के सुनने के बाद अगर ये निगाहों की हिफाजत नहीं हुई ना, सारी तकरीरों का कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये निगाहों का फितना, निगाहों की आलूदगी, निगाहों के क्या आवारापन, ये जब तक नहीं दूर हो सकता है हमारा दिल सही नहीं होगा। जब तक दिल सही नहीं होगा हमको नफ्स मुतमईना नहीं मिल सकता। तो हमें और आपको चाहिए कि अपने दिल की इस्लाह के लिए सबसे पहले निगाहों को हम पाक करें, निगाहों की हिफाजत करें, निगाहों को तकवा पैदा करें, निगाहों के अंदर जो है एक तरह से कंट्रोल पैदा करें। अल्लाह ने जिन चीजों को देखने का हुक्म दिया उन्हीं चीजों को, जिन चीजों के देखने से मना किया उनसे रुक जाए। और आज तो फितनों का दौर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फितनों के दौर में दीन पर साबित कदम रहने वालों की मिसाल ऐसे है जैसे अंगारे को मुट्ठी में लेने वाले की मिसाल, अंगारे को मुट्ठी में लेने वालों की जो मिसाल है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितनों के दौर में जो लोग दीन पर जमे हैं उनकी मिसाल ऐसे है जैसे अपने हाथ के अंदर मुट्ठी के अंदर आग के अंगारे लेकर के जिंदगी गुजारे। तो ये फितनों का दौर है, इसमें जो है हमें अगर चाहे कि हम नफ्स का मुहासबा करें तो सबसे पहले अपनी निगाह का मुहासबा कर लें। ये निगाह का अगर मुहासबा अगर हमने कर लिया कि एक दिन में कितनी जगह भटकी है, कहां कहां इसने सर कहां कहां मुंह से मारा है, कहां कहां इसने जो है गलत चीजों को देखा है, अगर उस पर काबू कर पा जाएंगे इंशाल्लाह तो सारे मसले हमारे हल हो जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह ताला ने मोमिन मर्दों को भी हुक्म दिया उसका, और मोमिना औरतों का भी हुक्म दिया। और उसके साथ साथ हमें ये जो है कुछ सवालात हैं उसकी तैयारी में हमेशा जो है हमें मशगूल रहना चाहिए। कब्र के तीन सवाल की तैयारी, मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे नबी कौन है, ये तीन सवालात इसका जवाब हमें कब्र में देना ही देना है। तो कब्र में सवाल का जवाब देना तो तैयारी कहां करना, यहां करना, इम्तिहान हाल में तैयारी थोड़ी होती है। इम्तिहान हाल में दाखिले के बाद ये कॉपी छीन ली जाती है, रिजल्ट वो जो है उसका नोटबुक छीन लिया जाता है। तो इम्तिहान हाल जो है वो कब्र है। तीन सवाल जहां होने वाले हैं उसकी तैयारी हमें पहले करना है। मन रब्बू का, रब की मारिफत क्या है, रब की तौहीद क्या है, मां भीरू का, हमारा दीन क्या है, मन नबी का, हमारे नबी कौन है, और कयामत के दिन पांच सवाल होने वाले हैं उसकी भी तैयारी हमें इसी दुनिया के अंदर भी करना क्या है। अनुमरी फीमा अपना उम्र के बारे में सवाल किया जाएगा, ये जिंदगी तुमने कहां गुजारी, कैसे गुजारी। अन शबाबी फीमा अबला जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा, जवानी कैसे गुजारी, कहां गुजारी, दो सवाल हो गया। अनमाल ही माल के बारे में सवाल किया जाएगा, माल कहां से कमाया था। आज बहुत सारे वाले बोलते बेटा कमा कैसा भी कमा, कमा कैसा भी कमा, हलाल से भी कमा, हराम से भी कमा, कोई परवाह नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही बुखारी की रिवायत में, ला युबाली अल-मर्उ मा अखज़ मिन्हु अमिन अल-हलाल या मिन अल-हराम, लोगों पर एक जमाना आएगा, एक दौर आएगा, लोगों को परवाह ही नहीं रहेगी कि माल हराम से आ रहा है कि हलाल से आ रहा है। माल के बारे में सवाल होगा, माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया, और जो हमने इल्म हासिल किया है दीन का, कुरान का, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का, उस पर भी हमको उसके बारे में भी पूछा जाएगा, उस पर भी हमारा मुहासबा किया जाएगा, जो इल्म मिला उस पर कितना अमल किया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आज के इस मुख्तसर से वक्त में जो भी बातें दुनिया की जिंदगी के मकसद से मुताल्लिक की गई हैं और नफ्स के मुहासबे से मुताल्लिक कही गई हैं, रब्बुल आलमीन हमें तमाम मुसलमानों को इन कही हुई बातों पर सुनने और अमल करने, सुनने के साथ साथ हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन उन तमाम मुसलमानों के अमल की और अमल की इस्लाह फरमा दे। बातें और बयान करता हूँ, चंद मिनट रह गए हैं, मैं अपने मौजू का खुलासा मैंने पेश कर दिया कि ये कब्र के तीन सवालात हैं, उनका जवाब हमें इसी दुनिया के अंदर तैयार करना है। तो कब्र के तीन सवाल हैं, मन रब्बू का, मा दीनू का, मन नबीयू का। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा रब है, इसका जवाब हमें कब्र में देना है। ये जवाब देने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने अकीदे को दुरुस्त करना चाहिए, तौहीद को अपनाना चाहिए। तौहीद अपनाए बगैर अगर दुनिया में कोई आदमी तौहीद को नहीं अपनाता है वो मर जाता है, वो लाख जवाब याद करता रहे रब्बी अल्लाह रब्बी अल्लाह रब्बी अल्लाह, कब्र में जवाब नहीं दे सकता, वो कब्र में जवाब नहीं दे सकता। इसलिए कि उसका जवाब हासिल करना दुनिया में जरूरी है, दुनिया में अमली तौर से जब अमल करके दिखाएंगे अल्लाह को राजी करेंगे तो जवाब मिल जाएगा। मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है, दीन के बारे में भी हमारा सवाल होने वाला है। आज लोग दीन के बारे में बड़े गलत फहमी के शिकार है, दीन क्या है, दीन क्या है, लोगों को मालूम ही नहीं दीन हमारा क्या है। दीन इस्लाम है, दीन इस्लाम किसका नाम है, अल्लाह की किताब,
का नाम है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का नाम है। दीन के बारे में इल्म हासिल करो, दीन पर अमल करो, और दीन पर अमल किए गए अगर कोई रटता रहे दीन अल इस्लाम दीन अल इस्लाम दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है मेरा दीन इस्लाम है, कभी भी वो कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि इसका ताल्लुक अमल से है। अमल करके जाएंगे तो जवाब दे सकते हैं, अमल के बगैर हम जवाब नहीं दे सकते कब्र के अंदर, क्योंकि वहां हमने अभी ये बात का इल्म हासिल किया कि ये दुनिया दारुल अमल है, वो दारुल जजा है बदले का, तो वहां पे बदला मिलेगा जो यहां मेहनत करेंगे। और मेहनत से मुराद सिर्फ जुबानी मेहनत नहीं, अमली मेहनत है। हमारा दीन क्या है, हमारे नबी कौन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह से एहतिसाब से मुताल्लिक पहली बात ये, नमाज कितने मुसलमान 5 वक्त टाइम पर अदा करते हैं, ये बहुत बहुत जरूरी मुहासबा है। अगर ये नमाज हमारी दुरुस्त हो जाए ना तो हमारी ईमानी गैरत कुछ ना कुछ हमारे अंदर बाकी रहेगी। ये नमाज जाने के बाद ईमान की सारी गैरत खत्म हो जाती है, जब आदमी नमाज ही नहीं पढ़ेगा ईमान की क्या गैरत। आदमी को दुनिया में जिस मकसद के लिए पैदा किया गया 5 वक्त की नमाज भी पढ़ने की उसको तौफीक नहीं हो रही है, और बोलता मौलाना साहब क्या करें सारे काम तो करते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। नमाज पढ़ने वालों से नमाज का मकाम पूछो, नमाज की लज्जत पूछो, नमाज का मरतबा पूछो। जो नमाज पढ़ने वाले हैं जमात के साथ अगर एक एक रकात भी छूट जाती है तो बंदे मोमिन के सीने पर पहाड़ गिर जाता है, अल्लाह हु अकबर मेरी एक रकात छूट गई। चाहे वो फज्र की रकात हो, चाहे वो जोहर की रकात हो, चाहे वो असर की रकात हो, जो तकबीरे वाला के साथ नमाज पढ़ने वाला है उसकी अगर रकात भी छूट जाती है तो उसको परवाह हो जाती है। और जो बेनमाजी है, जो बेनमाजी है नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिद के अंदर उसको सुला दिया जाए फिर भी वो सोया रहेगा, मस्जिद के अंदर भी सुला दिया जाए फिर भी सोया रहेगा, इसलिए कि वो बिल्कुल गाफिल हो चुका है, नाफरमानी करते करते गुनाह करते करते गाफिल हो चुका है। तो 5 वक्त की नमाजों की महाफजत आज ही आप मेहनत करके जाइए कि इंशाल्लाह आज के बाद हमारी कोई भी नमाज तकबीर उला से महरूम नहीं रहेगी, तकबीर उला के साथ हम नमाज अदा करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ भी कीजिए, अल्लाह से मदद भी मांगिए, अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह देगा, दुनिया मांगते अल्लाह दुनिया देता है, आखिरत मांगेंगे तो अल्लाह उससे ज्यादा फरमाएगा। तो 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ने का अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर दिए तो गया कि हमारा काम प्रोग्राम इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा, और अगर हमारी नमाजों की इस्लाह नहीं हुई तो कोई फायदा नहीं होगा। और दूसरी चीज ज़कात अदा करना, बहुत सारे मुसलमान हैं गरीबी की जिंदगी तंग दस्ती की जिंदगी गुजार रहे दुनिया के अंदर लेकिन अपने मालों की ज़कात नहीं निकालते। अल्लाह ने फरमाया तुख़ुदु मिन अबरियाहिम व तुरद्दु इला फुक़राहिम, ज़कात का पैसा मालदारों से लिया जाएगा गरीबों में लौटा दिया जाएगा। ये ज़कात का पैसा निकालेंगे तो हमारा भी फायदा होगा, हमारा माल पाक हो जाएगा, गरीबों की मदद हो जाएगी, गरीबों का तआवुन हो जाएगा, मुसलमान खुशहाल हो जाएंगे और अल्लाह ताला के यहाँ अज़ाब से बच जाएंगे, वरना इन मालों को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, तपा करके और उससे इंसानों को क्या किया जाएगा, अज़ाब दिया जाएगा सांप की शक्ल में, मारा माल उगाना कंजुगा वो खजाना सांप की शक्ल में डसेगा और काटेगा। और तीसरी चीज है हमें अपने नफ्स का मुहासबा करते हुए सोचना चाहिए कि हम आज जो रोजी कमा रहे हैं उसमें कितना परसेंट हराम है, जो रोजी रुपया पैसा जो कमा रहे हैं उसमें कितना परसेंट कमाई हमारी हराम की है, कितना परसेंट हलाल की है। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह, ए ईमान वालों हमने तुमको जो पाकीज़ा रोजी दी है उसे खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसकी इबादत कर रहे हो कर उसकी इबादत का हक अदा करना चाहते हो। अल्लाह ताला किसी हराम खोर की इबादत कबूल नहीं करता, उसके रोजे को कबूल नहीं करता, उसकी नमाजों को कबूल नहीं करता, उसके हज को कबूल नहीं करता, यहां तक कि उसकी दुआ को भी अल्लाह ताला रद्द कर देता है। दुआएं आज लोगों की हराम रेजी की वजह से कबूल नहीं की जाती। एक सहाबी है साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक मरतबा उन्होंने दरख्वास्त की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए दुआ कर दीजिए मुस्तजाबुद दावात हो जाऊं। तो कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतिब मतअमका, अतिब मतअमका, अपने खाने को हलाल कर लो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हो जाएगा। तो हलाल रोजी के बगैर ना इबादत कबूल है ना दुआ कबूल है, कोई भी चीज कबूल नहीं है, तो हम हराम रोजी के पीछे क्यों पड़ेंगे जबकि पैसा रुपया हम दुनिया में छोड़कर जाने वाले हैं। और इसी तरह से चौथी बात ये, बच्चों की तालीम पे ध्यान देना जरूरी है। हम मुहासबा करें हमेशा आदमी हम अपने बच्चों की को कुरान की कितनी तालीम देते हैं,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की कितनी तालीम देते हैं। और आखिरी बात यह है, हम अपने घर की औरतों पर कंट्रोल करें, काबू करें, उनका लिबास कैसा है, उनका पर्दा कैसा, उनका बुर्का कैसा, उनका पहनावा कैसा, उनके चाल चलन कैसे, उन पे हम निगाह रखें। ये सारी बातों पर अगर हम अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हम दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत के अंदर भी कामयाब होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को इन बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। जब तक ये दुनिया में जिंदा रहे, सुन्नतों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा और ईमान के साथ मौत नसीब फरमा। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।